से विलंब होगा हमें आगे तक जाने में, और पैदल यात्री ये है दोस्तों गंगा मैया धाम। और यार देखने लायक है यार, कोई भी गाड़ी को यहाँ पर रुकना नहीं दिया जा रहा है, देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस तगड़ा लगे हुए हैं। और ये है प्रवेश द्वार। अरे यार आज संडे है इसलिए ज़्यादा भीड़ है कि किस लिए भीड़ है पता नहीं, गंगा मैया धाम। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं बालोद, और बालोद जिला का आप लोग को बाइक राइड देखने को मिलेगा। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है बालोद, ये नाका है वनोपज जाँच नाका बालोद, और यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों बालोद शहर। और अगर आप बालोद शहर नहीं आए होंगे, बालोद ज़िला नहीं आए होंगे, तो ज़रूर आइएगा। आप लोग यहाँ आ सकते हैं दोस्तों, ट्रेन से आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं दोस्तों। बालोद ज़िला से 930 नेशनल हाईवे यहाँ पे गुजरती है, जो कि पूर्व से सीधा गढ़चिरौली जाती है दोस्तों मानपुर होते हुए। तो यहाँ पर आप लोगों को उप जेल मिलेगा, ये है उप जेल बालोद। यहाँ पर बालोद में उप जेल भी है, और थोड़ा सा व्यूज आप लोगों को दिखाऊंगा। ये है उप जेल बालोद, और जस्ट हमारे सामने में पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे कॉलेज, यहाँ का कॉलेज है। और यहीं पे राइट साइड में टांगला डैम है, और उसी के किनारे है दोस्तों आईटीआई, तो ये शासकीय महाविद्यालय है। और इस महाविद्यालय में दोस्तों मैंने कॉलेज किया है, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है दोस्तों। इसका भी वीडियो बनाए हूँ भाई, जाके चैनल में चेक कीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। और यहाँ पे थाना है, ठीक है, थाना कोतवाली, देखिए घनश्याम सिंह गुप्त स्नातक महाविद्यालय। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो पेपर होते हैं ना, जैसे कि अभी पीएससी का पेपर हुआ, तो यहीं सेंटर दिया जाता है। और यहाँ पे जिला अस्पताल भी है हमारे राइट साइड में, इधर देख सकते हैं दोस्तों। एक ज़िला बनने के बाद हमारा जो शहर है ना, उसका पूरा नक्शा बदल जाता है, इसीलिए लोग ज़्यादातर ज़िला की मांग करते हैं, ज़िला की मांग करते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे बहुत कुछ विकास होता है। दोस्तों बहुत सारे वैकेंसी निकलता है, तो बहुत ही ठीक होता है। यहाँ पे निवास है दोस्तों जिला सत्र न्यायाधीश का, इधर से जाते हैं, और ये सिटी टाउन है यहाँ का। और दोस्तों ये नेशनल हाईवे अभी 930 में हम लोग चल रहे हैं, और जितना भी हमारे आइट साइड में है ना, बहुत बड़े अधिकारी का निवास, अधिकारियों का निवास स्थल, देखिए कलेक्टर निवास है, ये कलेक्टर का निवास इस तरह से होता है दोस्तों। बाहर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइबर सेल है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बालोद जो शहर है दोस्तों, ये एक अपने आप में एक ज़िला है, और विकास खंड है, तहसील है। और हमारे बालोद ज़िले में दोस्तों पर्यटन की दृष्टि से देखें तो बहुत ही अच्छा अच्छा जगह है। अभी मैं जा ही रहा हूँ भोला पठार, और उधर सियर भी देखने को मिलता है, गंगा मैया है, और किले वाली माता है, महामाया मंदिर है, सिया देवी झरना है। और प्राचीन स्थल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इसी शहर में है कपिलेश्वर महादेव, गुरुदेव, और जो छत्तीसगढ़ शासन ने संरक्षित किया है दोस्तों, वैसे स्मारक यहाँ पे बहुत ही जगह मिलेगा आप लोगों को। ज़्यादातर शिव मंदिर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे परिवर्तित मार्ग, यहाँ पे जैसे कि अभी भीड़ भाड़ का इलाका है, जैसे कि गंगा मैया यहाँ पे बहुत बड़ा पर्यटन के क्षेत्र में उभर रहा है, तो ये बड़े जो गाड़ी होते हैं उसको इधर से जाना मना होता है दोस्तों, खासकर नाइट में, तो यहाँ पे पुलिस लग जाता है और मार्ग परिवर्तित करते हैं, क्योंकि बहुत से श्रद्धालुगण रात में आते हैं। तो देख सकते हैं बालोद का नज़ारा कुछ इस तरह से है, और यहाँ भी बहुत कुछ डेवलप का कार्य किया जा रहा है, और कुछ कुछ फंक्शन होते रहते हैं। तो आप लोग बालोद से हैं तो अगर बालोद के ज़्यादातर वीडियो आते रहता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग बालोद ज़िले से हैं, और आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा बालोद ज़िला घुमाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग आते हैं दोस्तों बालोद ज़िला के अंतर्गत, कुछ भी जानकारी हो तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लोगों का जवाब मिल जाएगा। ये देखिए रेलवे स्टेशन जाने का मार्ग इधर से है लेफ्ट साइड से,
तो रेलवे स्टेशन से आप लोग दुर्ग से आसानी से आ सकते हैं दोस्तों बालोद, और यहाँ का बस स्टैंड गजब का है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, आपको सभी सुविधा मिल जाएगी यहाँ से बालोद से। आप लोग बस में जाना चाहते हो तो राजनांदगांव जा सकते हो, धमतरी जा सकते हो, दुर्ग जा सकते हो, अंतागढ़ जा सकते हो, कोंडागांव जा सकते हो इधर से दोस्तों। तो एक है दोस्तों यहाँ से, एक प्रकार से बहुत ही अच्छा सिटी है। यहाँ पे ट्रैफिक लाल, ट्रैफिक सिग्नल येलो हो चुका है दोस्तों, और मुझे यहाँ पे रुकना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन रूल का फॉलो कर रहे हैं। देखिए कोई रूल का फॉलो नहीं हो रहा है, थोड़ा से हम लोग रुक लेते हैं यार। आगे चलते हैं थोड़ा से, और ट्रैफिक मैनेजर साहब क्या कर रहे हैं देखते हैं। बारह सेकंड बचा हुआ है और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे देख रहे हैं। चलो भैया ग्रीन हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ का किस तरह से हाल है, इतना भीड़ यार। नेशनल हाईवे 930, और अभी नवरात्रि चल रहा है तो सभी लोग घूमने जा रहे होंगे, और आज तो संडे है तो क्या बात करें। तो आप लोगों को दोस्तों मोटो व्लॉगिंग देखने को मिलेगा, झलमला का भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। चलिए आप लोगों को झलमला का भी दिखाते हैं कैसा नज़ारा है, बाइक राइड से ही दोनों का कवर हो जाएगा। इधर डीजे सेटअप लगाया जा रहा है, डीजे लक्की का, और यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर भी दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छा माता का मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। तो दोस्तों ये है बालोद शहर। हमारे छत्तीसगढ़ का 24वां जिला है, ये 24 नंबर का जिला है दोस्तों। और ये अस्तित्व में 2012 में आया, और इसमें अभी कितने विकासखंड हैं मैं गिन सकता हूँ। एक तो बालोद आ गया, गुरूर हो गया, गुंडरदई हो गया, और डौंडी है, और डौंडी लोहारा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों इनके विकासखंड। और तहसील दोस्तों एक एक्स्ट्रा है, अर्जुंदा को अभी नया बनाया गया है तहसील। तो पांच विकासखंड है, और छः नहीं कितने हैं यार भूल गए, समथिंग ऐसी है जो मैं बताया हूँ, ठीक है। और यहाँ खनिज की बात करें तो खनिज है दोस्तों, लौह अयस्क को दल्ली राजा की पहाड़ी से निकाला जाता है। और नंदी की बात करें तो बालोद जिले में नंदी है, पहला नंदी खारून नंदी है जो कि पेटेचुआ गुरूर से उद्गम होती है। और यहाँ के जीवनदायिनी नंदी कहा जाता है तांगला नंदी को। और एक और नंदी है दोस्तों खरखरा नंदी, जिसमें खरखरा बांध बनाया गया है, आप लोग देखने के लिए आ सकते हैं दोस्तों। हमारे जो बालोद जिले में तीन बांध हैं, तांगला जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, 100 साल पुराना हो गया है, उसके बाद है खरखरा, खरखरा के बाद है दोस्तों। खरखरा की बात एक कर देता हूँ कि हमारी छत्तीसगढ़ की पहली मिट्टी से निर्मित बांध है, और तांगला हमारी छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना है, ठीक है। पहली परियोजना पूछेगा कोई तो बता देना भाई हमारा तांगला जलाशय के नाम। और गोंदली जलाशय, गोंदली जलाशय 1956 में बना, और वो 67 में बना खरखरा जलाशय, और ये 1912 में तांगला जलाशय बना। तो रुक जाओ कनक। यह दोस्तों सुमित बाज़ार, ये हमारे बालोद जिला में एक ही है सुमित बाज़ार, और बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे इन लोग खुद रेट तय करते हैं जो भी सामानों का हो। और पीछे में टॉकीज भी है, लेकिन मैं टॉकीज में अभी तक गया नहीं हूँ।
जाएंगे कभी यार, मौका ही नहीं मिला। और ये देखिए, मैं तांदुला नंदी की बात कर रहा था ना, तो ये है तांदुला नंदी, दिखाई दे रहा है तांदुला नंदी, तांदुला नंदी सेतु है दोस्तों। ये बालोद जिला के जीवन दायनी नंदी कहते हैं। इसका उद्गम दोस्तों भानु प्रताप की एक तहसील है, भानु प्रताप तहसील है कांकेर जिला का, वहाँ की पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है। तो ये है बहुत बड़ा है। और ये दोस्तों श्रीनाथ नंदी की सहायक नंदी है दोस्तों, तो सबसे बड़ी सहायक नंदी भी हम लोग इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे भगवान रामचंद्र का मंदिर बनाया गया है, नीचे में जस्टी है। और यहाँ इनका त्यौहार होता है ना दोस्तों, निसाद लोगों का, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे सभी लोग एकत्रित होते हैं। तो हम लोग बालोद से निकल चुके हैं, ये हीरापुर मार्ग है, और हीरापुर यहाँ से जाते हैं। छोटा सा गांव है हीरापुर, और बालोद से लगा हुआ है। और यहीं पे दोस्तों राइट साइड में बालोद बाज़ार भी है। तो बालोद बाज़ार स्वयं सहायता समूह के जो लोग क्या करते हैं, सामान बनाते हैं, उनका एक सेलर है कह सकते हैं, सेल करते हैं, जो कि जिला प्रशासन उसे चला रहा है। इधर है। तो आप लोग बालोद बाज़ार का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, मैं बालोद बाज़ार का वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ। यहाँ पे है बालोद बाज़ार, दिखाई सामने में एक बोर्ड लगाना चाहिए यार, बालोद बाज़ार हियर ऐसे करके तो ये भी नहीं है, उधर ध्यान नहीं जाता। देखिए मैं भी ध्यान दिला रहा था आप लोगों को। और ये है सिवनी, यहाँ से जाता है दोस्तों कलेक्टर ऑफिस। दोस्तों यहाँ तो बालोद तो ज़िला बना दिया है, लेकिन बालोद के अंदर आप लोगों को जितना भी ऑफिस है ना, वो नहीं मिलेगा, सब बाहर दे दिए हैं। ठीक है, कौन तो आवा थे या एक आवाज हुई यार, ऐसे हारन कौन मारते। इधर से सिवनी जाते हैं, देवतरे भी जाते हैं, और इधर से कलेक्टर ऑफिस भी जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग जा सकते हैं इधर से, उसका भी वीडियो, सभी चीज़ हमारे बालोद जिले का जितना भी वीडियो है ना, मैंने पहले से बना कर रख दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं आराम के साथ। और ख़तरनाक, यहाँ पे हमें थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। इधर चला, थोड़ा से आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों गंगा मैया, झलमला यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये दोस्तों गंगा मैया झलमला नंद झलमला आप तो सुने होंगे, आए भी होंगे, तो इस तरह से है। और यहाँ तक ना जाम रहता है शाम के समय, मतलब पंचमी के दिन तो आओगे ना तो इधर बड़े गाड़ी आ नहीं सकता है, सभी जितने भी बड़े गाड़ी रहेगा ना वो यहीं पे रुकेगा। और ये है दोस्तों तांदुला नंदी का नहर, बहुत लोग पैदल ही जा रहे हैं। आप लोगों को मैं अंदर जाके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग भोला बठा जा रहे हैं, और वापसी में आता हूं तो दिखा सकता हूं दोस्तों। ओहो, मोरों का गाड़ी लूँ तब इसने बजाऊँ। देख सकते हैं दोस्तों कितने लोग आए हुए हैं, और यहां 9 दिन तक कार्यक्रम चलता है। यहां से स्टार्ट हो चुका है हमारा गंगा मैया, और आप लोग यहां पे आ चुके हैं तो ये जगह आप लोगों को याद आ रहा होगा, और नहीं आए हुए हैं तो जरूर आइए, क्योंकि बस से उतरो यहीं पे डायरेक्ट, ठीक है, और चढ़ना है तो चढ़ो। बहुत लोग गाड़ी बुकिंग करके आते हैं, और हम लोग तो दोस्तों क्या करते हैं कि अपने पास बाइक है तो बाइक में ही चले जाते हैं यहाँ। अरे यार, यहाँ तो अभी से मेला भर गया है, देख सकते हैं। ये है गंगा मैया, जय गंगा मैया। और थोड़ा से विलम्ब होगा हमें आगे तक जाने में, और पैदल यात्री। ये है दोस्तों गंगा मैया धाम, और यार देखने लायक है यार, कोई भी गाड़ी को यहाँ पर रुकना नहीं दिया जा रहा है, देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस तगड़ा लगे हुए हैं। और ये है प्रवेश द्वार। अरे यार, आज संडे इसलिए ज़्यादा भीड़ है कि किसलिए भीड़ है पता नहीं, गंगा मैया धाम।
वीआईपी पार्किंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बोल रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना भीड़ है। आने दो बोल रहे हैं। हमको जाने दो भाई, हम लोग शाम के आएंगे। देख सकते हैं ऊपर ऊपर भी चलते चलते आ रहे हैं। हाँ यार, देखने लायक है दोस्तों गंगा मैया। और जब सुबह इतना भीड़ है तो शाम को कितना भीड़ होता होगा। मैं अभी 20 की स्पीड से भी कम में चला रहा हूँ, इतना रोड भीड़ है, स्पीड में भी नहीं चला सकते। देख मतलब रुक के पूछना रही इसकी कौन गांव करे। सभी लोग अभी आ ही रहे हैं, बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो झलमला का व्यू थोड़ा सा देखने को मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को। ये है दोस्तों झलमला, और यहीं पे एक छोटा सा बस स्टैंड है। शुभ यात्रा गंगा मैया, आपका मंगल करे। रेड लाइट तो चला था, वहां तो दिखी से दिखी से। मुझे जाना है, पूरा भरा भरा जाते यार। यहाँ पे ट्रैफिक देख सकते हैं, ये लोग जा रहे हैं। मुझे इधर जाना है, तो ये है दोस्तों झलमला।